नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन ऑनलाइन एकेडमी। मैं नेहा सिंह, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूं, ये बीएड थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड पेपर आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, थ्योरेटिकल फाउंडेशन एंड करिकुलम। 3 घंटे की टाइमिंग है, 80 नंबर का पेपर है, 20 नंबर के आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं। तो ये पेपर सेकंड देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिसमें से प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस वाला है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कोरोना काल के कारण ये पेपर जो है पैटर्न बहुत ईजी पैटर्न आया है। तो चलिए देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पाठचर्या के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर बी है, अधिगमकर्ता केंद्रित पाठचर्या क्या है। क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी है, पाठचर्या के आधार से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे थर्ड सेमेस्टर की। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर, पाठचर्या विकास के निर्धारकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर ई, एक मूल्यांकन रणनीति के रूप में CCE को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर एफ, पाठचर्या पर टैगोर के विचारों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर जी, NCF 2005 की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर एच, जो है हमारा शांति निकेतन में शिक्षक शिक्षा प्रतिमान के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो ये आ गया हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, स्टार्ट हो गया है। अच्छी चीज़ ये है कि ये यूनिट वाइज नहीं है, आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन में से और कोई भी 4 क्वेश्चन करने थे शॉर्ट क्वेश्चन में से। तो चलिए लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया हमारा। लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, पाठचर्या से आप क्या समझते हैं, यह पाठ्यक्रम में किस रूप से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं भी 5 पाठचर्या के प्रकारों का उल्लेख कीजिए, किन्हीं 2 पाठचर्या के प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाठचर्या के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक आधारों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, पाठचर्या निर्माण के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, ये है पाठ्यचर्या डिजाइनिंग से आप क्या समझते हैं। पाठ्यचर्या डिजाइनिंग के सीखने के अनुभव और उद्देश्यों की स्थापना सोपान का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन जो है वो है, टिप्पणी लिखनी है आपको। और टिप्पणी ध्यान कर रखिएगा कि आपको दोनों के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं तो पहली टिप्पणी है, टिप्पणी ए, रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन और सेमेस्टर प्रणाली, इन दोनों पर आपको टिप्पणी लिखनी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं तो आपको ए और बी दोनों अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो पाठ्यचर्या के प्रतिमान से आप क्या समझते हैं। आपके पाठ्यक्रम में दिए गए किसी एक पाठ्यचर्या के प्रतिमान का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, NCFTE 2009 और आइडिया ऑफ गांधी ऑन करिकुलम, ये 2 शॉर्ट टिप्पणी हैं, इनको भी आपको करना। अगर क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं तो आपको ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। NCFTE 2009 और पाठ्यचर्या पर गांधी के विचारों का वर्णन करना है, यानी कि आपको इन 2 टॉपिक्स पर टिप्पणी लिखनी है, क्वेश्चन नंबर 9 और 7। सो फ्रेंड्स, ये था बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर। नेक्स्ट पेपर में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
और सभी प्लेलिस्ट चेक जरूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर देखिएगा, डिटेल आपको वहां मिल जाएगी।